टाटा के ट्रक, बाटा के जूते और महिंद्रा की जीप अपने आप में बेमिसाल है। आज के इस वीडियो में हम महिंद्रा की जीप CL550 MDA की बात करेंगे। 1997 में यह लॉन्च हुई थी, सिर्फ डीजल वेरिएंट में यह मिलती थी। प्राइस शुरू होती थी 3.50 लाख से और टॉप मॉडल की प्राइस थी 4 लाख रुपीज। 1968 की विलिस जीप CJ3B का ही अपडेटेड वर्जन है CL550 MDI। महिंद्रा इसको जीप के लाइसेंस के अंडर बनाती थी। इसमें न्यू जनरेशन चेचिस यूज किया गया था, जिसको आर्मेडा में भी यूज किया गया था। यहाँ पर आपको टर्न इंडिकेटर्स दिए गए हैं, सर्कुलर शेप में हेलोजन लैंप हेडलाइट्स, जीप की 7 स्लॉट सिग्नेचर ग्रिल यहाँ दी गई है, उसके ऊपर महिंद्रा का लोगो प्लेस किया गया है। साइड प्रोफाइल देखें तो यहाँ पर 16 इंच के टायर स्टील रिम के साथ दिए गए हैं। ऊपर फेंडर पर साइड में प्लास्टिक की आउटलाइन दी गई है, आगे में मेटल का सॉलिड बम्पर दिया गया है। ओवरऑल साइड प्रोफाइल कुछ इस तरह की आपको जीप में दिखती है। स्क्वायर शेप में यहाँ पर ओपनेबल देखें तो विंडशील्ड विथ 2 वाइपर्स मिलते हैं। बैक कलर में आपको यहाँ पर ओआर बीम दिए गए हैं, ये देखें ब्लैक कलर्स में आपको है, जिससे पीछे का व्यू दिखता है। इस जीप की 3.28 मीटर लेंथ है, 1.9 मीटर हाइट और 5.8 मीटर इसमें टर्निंग रेडियस मिलता है। फ्रंट में आपको डिस्क और रियर में ड्रम ब्रेक्स दिए गए हैं। फ्रंट और रियर दोनों में आपको रिजिड लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन दिए गए हैं, जिससे यह हर तरह के रास्तों में बिना किसी परेशानी के चले। पीछे की प्रोफाइल कुछ इस तरह की दिखती है, पीछे नॉर्मल टेल लैंप्स आपको देखने को मिलते हैं। रियर में CL550 MDA की बैजिंग देखने को मिलती है, स्पेयर व्हील का माउंटिंग ब्रैकेट देखने को मिलता है और यहाँ पर पीछे का जो एरिया है पूरा सॉफ्ट टॉप द्वारा कवर किया गया है। पीछे आपको एंट्रेंस के लिए फुट स्टेप भी दिया गया है। यहाँ CL550 MDA में आपको जो स्टेयरिंग है वो आपका मैनुअल स्टेयरिंग मिलता है। यह इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, जिसमें आपको स्पीडोमीटर, ऑयल प्रेशर गेज, टेम्परेचर मीटर और एम्पियर मीटर मिलता है। यहाँ पर आप देखें दूसरी तरफ तो यहाँ पर आपको जो ऑयल प्रेशर लो और बैटरी का साइनेज मिलता है। राइट हैंड साइड में हेडलाइट कंट्रोल, लेफ्ट हैंड साइड में वाइपर कंट्रोल्स यहाँ पर मिलते हैं, ये देखें। और पीछे के देखने के IRVM यहाँ पर दिया गया है। हेडरेस्ट के साथ सीट्स मिलती है। ये जो आपकी गाड़ी है इसमें 4x4 जो है वो आपको रिमूव कर दिया है, एग्जिस्टिंग आप इसमें 4x4 जो है लगवा सकते हैं। तो कुल इस तरह का दिखता है पूरा कंप्लीट। पीछे और देखें तो यहाँ पर आपकी लंबी सीट्स दी गई है, जिसमें टोटल 6 पैसेंजर आसानी से बैठ सकते हैं कंफर्टेबली। यहाँ पर आप देखें जो फ्रंट में मैंने बताया था, आपको लीफ स्प्रिंग मिलता है विथ शॉक अब्जॉर्बर। पीछे की ओर बात करें तो पीछे में भी आपको यहाँ पर रिजिड लीफ स्प्रिंग मिलती है विथ शॉक अब्जॉर्बर, जिससे ये आसानी से किसी भी रास्ते में चल सकती है। यहाँ पर आपको इंजन को ओपन करने के लिए, इंजन बे को ओपन करने के लिए हुक्स दिए गए, जिससे आप इंजन को इंस्पेक्ट कर सकते हैं। इस महिंद्रा की जीप CL550 MDA में आपको नॉर्मली 15 से 16 का माइलेज डीजल और मिल जाता है। आप इस जीप को लेकर कहीं पर भी जा सकते हैं, किसी भी प्रकार के रास्ते पर किसी भी प्रकार की समस्या इस जीप में आपको देखने को नहीं मिलती है। आप कोई सी भी चढ़ाई हो उस पर आसानी से ये जीप जो चल सकती है और इसमें किसी प्रकार का कोई ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं आता है। तो ये जीप जो है नॉर्मली गांवों में लोग जो इसे काफ़ी पसंद करते हैं और जो ऑफ रोडिंग के शौकीन हैं वो आज भी इन जीप्स को रखते हैं और अपने ऑफ रोडिंग के एंजॉयमेंट को पूरा करते हैं। तो ये जीप जो है CL550 MDA अभी मार्केट में आपको नहीं मिलती है, इसकी जगह महिंद्रा का प्रोडक्ट जो है महिंद्रा थार मिलता है, पर आपको सेकेंड हैंड मार्केट में ये जीप देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर हमने देखा कि CL550 MDA जो गाड़ी है, जीप है, उसमें क्या क्या चीज़ें थी, किस तरह से है। तो ओवरऑल यहाँ पर हमने उसकी कंप्लीट डिटेल्स में बात की। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो के साथ। टिल द टाइम स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद।